दो पार्ट हैं एक रिपोर्ट, राइटिंग, पहला रिपोर्ट पहला है लेटर राइटिंग दूसरा है रिपोर्ट राइटिंग इस टॉपिक में मैं लेटर राइटिंग के बारे में तुम लोगों को कवर कराने वाला हूं ठीक है टॉपिक क्या क्या आ रहा है पहले ये देख लो सबसे पहला टॉपिक जो हमारा आ रहा है वो है नीड एंड फंक्शन ऑफ नीड एंड फंक्शन ऑफ बिजनेस करेस्पोंडेंस वॉट आर द एलिमेंट्स एंड कंटेंट्स या फिर कंपोनट ऑफ बिजनेस देखो कोई भी ये जो तो टॉपिक है लेटर्स ये ऐसे सेपरेटली नहीं पूछा जाता लेकिन जिसको भी बिजनेस लेटर्स लिखने का आइडिया चाहिए उसको इन टॉपिक्स के बारे में अक्ल होनी चाहिए तभी वो जाके बिजनेस लेटर सही से लिख सकता है ठीक उसके बाद टाइप्स ऑफ लेटर टाइप्स ऑफ लेटर कौन कौन से आ रहे हैं हमारे टाइप्स ऑफ लेटर आ रहे हैं हमारे पहले तो सॉलीसोरिसटेड अलॉन्ग विद्राफ्टिंग ऑफ बायोडेटा ठीक है एक बायोडेटा का हमें लेटर पढ़ना है इंटरव्यू लेटर ऑफर लेटर कैसे लिखते हैं लेटर ऑफ रेजिग्नेशन क्या होता है ठीक लेटर ऑफ इंक्वायरी कोटेशन लेटर ऑर्डर लेटर कंप्लेन लेटर एंड रिप्लाई टू कंप्लेन लेटर ठीक है एक रेजिग्नेशन था वो शायद गायब हो गया है रेजिग्नेशन 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 ठीक रेजिग्नेशन शुरू करते हैं लेटर्स नीड एंड फंक्शन से ठीक है सबसे पहले देखो कि व्हाट इज नीड फॉर लेटर्स ऐसे समझिए हर एक इंडिविजुअल बिजनेस में कम्युनिकेशन एक एक सबसे इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है बिजनेस कम्युनिकेशन इस यूनिट का नाम भी है बिजनेस कम्युनिकेशन एंड करेस्पॉन्डेंस ठीक है एंड इट इज नॉट पॉसिबल फॉर एवरी वन टू कम्युनिकेट डायरेक्टली फ्रॉम द इंडिविजुअल्स वेदर इट इज डिपार्टमेंट हेड्स कस्टमर ठीक है हमारे कॉम्पिटिटर्स हमारे स्टेक होल्डर्स इन्वेस्टर्स सबसे डायरेक्टली बात नहीं किया जा सकता और हर वक्त एक एक एक, एक पैरल कम्युनिकेशन नहीं फॉलो किया जा सकता इसलिए लेटर्स की जरूरत आती है ठीक है बिजनेस लेटर्स के फंक्शन क्या क्या होते हैं सबसे पहला है इट वाइडेंस कॉन्टैक्ट वाइडेंस कॉन्टैक्ट मतलब क्या है कि हर कोई हर किसी से बात नहीं कर सकता है लेकिन लेटर्स हर जगह पहुंचाए जा सकते हैं तो आपकी रीच बढ़ती है इंफॉर्मेशन की रीच बढ़ती है दैट्स इट वाइडेंस इट इज यूज एंड मेंट फॉर शेयरिंग इन्फॉर्मेशन शेयरिंग इन्फॉर्मेशन विद होम विदेक होल्डर्स ऑफ योर ऑर्गेनाइजेशन स्टेक होल्डर्स कैन बी येडिटर्स स्टेक होल्डर्स कैन बी योर इंप्लाइज स्टेक होल्डर्स कैन बी योर ओनर्स इन्वेस्टर्स कंज्यूमर्स एनी योर वेंडर्स एनी वन ठीक है जिसका कोई ना कोई डायरेक्टली इंटरेस्ट है उनके साथ आप अपनी इंफॉर्मेशन शेयर करते हो बिजनेस Letters. आगे बढ़ते हैं व्हेन यू व्हेन यू राइट अ लेटर इट एक्ट एज एन अथॉरिटेटिव प्रूफ प्रूफ क्या है क्योंकि हर कोई लेटर नहीं लिख सकता है जब भी लेटर लिखा जाता है किसी भी इंडिविजुअल को या ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल को या फर्म को या इंस्टीट्यूशन को उसमें नीचे एक अथॉरिटेटिव बॉडी के सिग्नेचर होते हैं और स्टैंप होते हैं तो लेटर क्या रिप्रेजेंट करता है अथॉरिटेटिव प्रूफ कि हमारा कम्युनिकेशन हुआ है विद अ विद्रिस्पेक्टिव ऑर्गेनाइजेशन ठीक record and references letter are meant because it is a legal document ठीक है लेटर्स क्या करते हैं एक लीगल डॉक्यूमेंटेशन का काम करते हैं और हमें पता है एक ऑर्गेनाइजेशन में लीगल फ्रेमवर्क करना मेंटेन रखना कितना जरूरी है तो एक तरीके से लेटर्स किस काम आते हैं जो भी हमारे बीच बात हुई है जो भी हमारे बीच कम्युनिकेशन uh, हुआ है वेदर इट इज रिलेटेड टू सोलिसाइटेड और लेटर्स वो क्या आएगा उसका एक रिकॉर्ड मेंटेन हो रहा है ठीक है इट इज यूज फॉर रिकॉर्ड मेंटेनिंग रिकॉर्ड और किस रेफरेंस के लिए लेटर लिखा गया है आप रेफरेंस ऐसा समझो कभी लेटर जरूरी नहीं कि डायरेक्ट ऑर्गेनाइजेशन को सिर्फ उनके उनको क्या बोलते हैं ओपिनियन देने के लिए लिखा गया हो लेटर हो सकता है मार्केटिंग मैनेजर को लिखा गया हो हो सकता है भाई रिसर्च मैनेजर को लिखा गया हो सकता है कंप्लेन लेटर हो और कंप्लेन भी किसी पर्टिकुलर फील डिपार्टमेंट की हो तो जो रेफरेंस होता है वो रेफरेंस जब भी हम लेटर लिखते हैं उसमें एक रेफरेंस नंबर लिखते हैं रेफरेंस किस रेफरेंस में लिखा गया है किस डिपार्टमेंट को लिखा गया है ठीक है सो इट इज मेंट फॉर मेंटेनिंग रिकॉर्ड एंड में लेटर आए हमारे पास एक अच्छी ऑर्गेनाइजेशन जो अच्छा लेटर लिखती है ऑटोमेटिकली एक पब्लिक इमेज क्रिएट करती है तो लेटर लिखने से क्या होता है गुडविल क्रिएट होती है सोसाइटी ठीक है आगे बढ़ते हैं अब इस टॉपिक का सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट आ रहा है ठीक है दैट इज एलिमेंट्स एंड कंपोनेट ऑफ लेटर एलिमेंट्स एंड कंपोनेट ऑफ लेटर का ऐसा है समझ लो भैया कि अगर आपको लेटर का ए बी सी डी लेफ्ट राइट सब जानना है कि किस तरीके से लिखते हैं तो उसमें आपको एलिमेंट्स ऑफ लेटर पता होने चाहिए कि एक लेटर में क्या क्या कंपोनेंट और क्या क्या कंटेंट है जो आते ही आते हैं सबसे पहली चीज जो होती है उसे हम कहते हैं हेडिंग ठीक है अभी हम एक एक करके समझेंगे भी हेडिंग के बाद आता है डेट डेट के बाद आता है हमारा रेफरेंस नंबर रेफरेंस नंबर रेफरेंस नंबर के बाद आता है कि आप जिसको एड्रेस लिख रहे हो उसका नाम पता करके एड्रेस तो इसे हम कहते हैं इनसाइड एड्रेसेस इनसाइड एड्रेस ठीक नेक्स्ट इनसाइड एड्रेस के बाद आता है हमारा सैल्यूटेशन सैल्यूटेशन क्या होता है डियर सर डियर मैम ग्रीटिंग्स इसे हम कहते हैं सैल्यूटेशन फिर सिक्स नंबर पे आ रहा है हमारा बॉडी बॉडी ऑफ द लेटर जो मेन कंटेंट होता है आपके लेटर का किस किस रिगार्डिंग में आप लेटर लिख रहे हो है, उसे हम कहते हैं बॉडी ऑफ द लेटर जिसमें सबसे पहले होता है हमारा ओपनिंग फिर मेन मेन पैराग्राफ आता है फिर क्लोजिंग पैराग्राफ आता है ठीक है जिसमें क्लोजिंग पैराग्राफ में क्या होता है कि जैसे आप लिखते हो ना कि आई रिक्वेस्ट आई होप यू अंडरस्टैंड माई सिचुएशन एंड डू द नीडफुल यू विल गोइंग टू डू द नीडफुल आई एक्सपेक्ट यू टू डू द नीडफुल तो ये क्या होता है क्लोजिंग लाइन क्लोजिंग ऑफ द पैराग्राफ ये सब बॉडी ऑफ द लेटर का पार्ट होता है

सिग्नेचर डिपेंडिंग कि वो सिग्नेचर किसके हैं कि सोल प्रोप्राइटर ओनर के है कि पार्टनरशिप है कि फर्म है कि ओपीसी कंपनी है लिमिटेड लाइबिलिटी है ये डिपेंड करता है लेकिन सिग्नेचर क्या होता है सिग्नेचर माने जिसने भी जिसके पास अथॉरिटी है लेटर लिखने की या जो लेटर लिख रहा है टू द कंसर्न पर्सन अब सिग्नेचर मतलब सिर्फ ये नहीं होता है कि आपने साइन कर दिया सिग्नेचर मतलब होता है जिसका भी साइन होना है जो भी अथॉरिटी उसका नाम और नाम के ऊपर सिग्नेचर तो नाम बोल्ड लेटर्स में प्रिंटेड होता है आगे बढ़ते हैं उसके बाद होता है आइडेंटिफिकेशन मार्क्स आइडेंटिफिकेशन मार्क्स फिर आता है हमारा क्लोजर इन इनक्लोजर सॉरी इनक्लोजर्स अच्छा आइडेंटिफिकेशन मार्क्स और इंक्लोजर में इंक्लोजर समझ लो क्या होता है जैसे करो कोई आप लेटर लिख रहे हो उसके साथ आपको प्रूफ या कोई डॉक्यूमेंट अटैच करना होता है तो जो भी डॉक्यूमेंट आप अटैच कर रहे हो एक हेडिंग लिखते हो इंक्लोजर और जो जो डॉक्यूमेंट अटैच कर रहे हो उनको लिस्ट करके लिख देते हो उसे हम कहते हैं इंक्लोजर ठीक इसके बाद आता है हमारा कॉपी डिस्ट्रीब्यूशन कॉपी डिस्ट्रीब्यूशन क्या होता है ऐसा समझिए कॉपी डिस्ट्रीब्यूशन मतलब कि अगर एक लेटर दो से तीन लोगों को लिखा जा रहा है तो लेटर लिखने के बाद क्या होता है जैसे हम लोग ईमेल आईडी लिखते हैं ईमेल में क्या सीसी कर देते हैं सीसी करके जिसको भी भेजना है एक मेन बंदा और उसके बाद सीसी जिसको भेजना है उन सारे लोगों की मेल आईडी अटैच करते हैं इस तरीके से कॉपी डिस्ट्रीब्यूशन में भी हम सीसी लिख के जितने भी लोगों को भेजना चाह रहे हैं उनका नाम लिख देते हैं आगे बढ़ते हैं आगे होता है पोस्ट पोस्ट मतलब क्या? चांस लेटर लिखने वाला, कोई ऐसी इंफॉर्मेशन है जो लिखना भूल गया मेन बॉडी ऑफ द पैराग्राफ में या बॉडी ऑफ द लेटर में तो वो क्या करता है आखिरी में उसको प्रेजेंट कर देता है लेकिन जब हम बिजनेस लेटर लिखते हैं तो पोस्ट सब्सक्रिप्शन अच्छी बात नहीं होती है प्रोफेशनलिज्म को नहीं रिफ्लेक्ट करता है। इसलिए पोस्ट सब्सक्रिप्ट क्या होता है निग्लेक्ट किया जाता है अब एक एक करके सारे कंपोनेंट पहचान लो ताकि जब भी कोई लेटर आएगा उसके बारे में तुम्हें ये पता होना चाहिए कि कौन सी हेडिंग है कहां डेट है कहां रेफरेंस है और इन्हीं से ही तुम फॉर्मेट बना सकते हो और कोई तरीका नहीं है लेटर रटे नहीं जाते लेटर समझे जाते हैं इंग्लिश आनी चाहिए आपको अच्छी ताकि आप क्या बोलते हैं पचास सौ वर्ड का बॉडी ऑफ द लेटर लिख सको इसके अलावा कोई टेक्निक नहीं है, कोई रटा नहीं सकता हाँ, लेटर है, है, है ये सारी चीजें कोई लेटर ऐसा नहीं है कि आपको पैराग्राफ रट लिया आपका काम हो गया आपको ये समझने पड़ेंगे बारह पॉइंट रहे हैं अब टाइप्स ऑफ लेटर की तरफ बढ़ते हैं टाइप्स ऑफ लेटर में सबसे पहला आता है Excuse me. सबसे पहला आता है solicited और चलिए, सबसे पहला टॉपिक होता है लेटर्स दो तरीके से क्लासिफाई किए जाते हैं एक जो किसी एडवर्टीजमेंट के रिप्लाई के तौर पे किए जाते हैं जैसे सपोज करो वेकेंसीज अवेलेबल की क्लासिफाइड में आया वेकेंसी अवेलेबल फॉर अ लेक्चरर, ठीक है ऑफ अकाउंटेंसी और तुमने उस एडवर्टीजमेंट को देख के लेटर लिखा और एक होता है सपोज करो तुमने कंप्लेन करनी तुमने कोई प्रोडक्ट मंगाया उसकी तुम्हें कंप्लेन करनी है तो यहां पर कोई एडवर्टीजमेंट नहीं आया था लेकिन तुमने कोई प्रोडक्ट खरीदा उसकी तुम्हें कंप्लेन लिखनी है तो वो हो गया हमारा अनसोलिसटेड ठीक है तो सोलिसाइटेड क्या होते हैं जॉब एडवर्टीजमेंट एक एग्जाम्पल हो गया किसका सोलिसाइटेड का कह रहा है दीज आर लेटर दोच इज रिटर्न इन रिस्पॉन्स टू एडवर्टीजमेंट बाय एन एम्प्लॉयर दैट इज It is invited letters. है? और दूसरा अनसोलिस कंप्लेन लेटर इट इजर विदाउट एनी एडवर्टीजमेंट दैट इट इज नॉट इनवाइटेड नेक्स्ट इनिशियटिव टाइम हुटिव जब भाई एडवर्टीजमेंट करा रहे हो तो जाहिर सी बात है तुम एक्सपेक्ट करोगे की लोगों के रिप्लाई आए लोग तुम्हें लेटर लिखे सो द इंप्लॉयर टेक्स द इनिशियटिव जब हम बात करते हैं सोलिसाइटेड लेटर्स की और अनसोलिसाइटेड में क्या होता है तुम खुद ही देख देख के हर जगह अपनी सीवी अप्लाई कर रहे हो लेटर लिख रहे हो इफ देर आर वेकेंसी अवेलेबल और नॉट योर प्रोडक्ट इज रॉन्ग और नॉट ठीक है कुछ भी इस तरीके का आ रहा है तो ये क्या है जॉब सीकर के हाथ में होता है द जॉब सीकर टेक्स द इनिशिएटिव टू राइट अनसोलिसाइटेड लेटर्स ठीक है आगे बढ़ते हैं रेफरेंस सोलिसाइटेड लेटर्स जॉब एडवर्टीजमेंट के रेफरेंस से लिखे जाते हैं अनसोलिसाइटेड रेफरेंस लेटर्स जॉब एडवर्टीजमेंट के रेफरेंस से नहीं लिखे जाते इनको कोई एडवर्टीजमेंट से मतलब नहीं होता ठीक इसके बाद हमारा एक टॉपिक था स्टार्टिंग में हाँ ये हमने पढ़ लिया अब इस बेसिस पे हेडिंग क्या होती है ठीक है डेट क्या होता है कैसे लिखा जाता है ये सारे टॉपिक कवर करो अब हमने टाइप्स ऑफ लेटर खत्म किया अब इसके बाद हम सीधा आएंगे कैसे लिखते हैं इं, इंटरव्यू लेटर क्या होता है ऑफर लेटर क्या होता है अब ये सारी चीजें पहचानने के लिए तुम्हें ये चीजें पता होनी चाहिए बहुत अच्छे से आओ भाई शुरू करते हैं सबसे पहले आता है हमारा क्या हेडिंग सबसे पहले आता है हमारा हेडिंग अब हेडिंग देखो ये एक लेटर लिखा गया है और हेडिंग का क्या होता है जो कंपनी या ऑर्गेनाइजेशन का नाम होता है वो फ्रंट में दिया गया होता है जनरली जनरली क्या होता है कि हर ऑर्गेनाइजेशन का खुद का लेटर हेड होता है लेटर हेड क्या होता है जिसमें कंपनी के ऑर्गे ऑर्गेनाइजेशन का जो नाम होता है वो पहले ही से लेटर में प्रिंटेड होता है आपको सिर्फ बॉडी और इनसाइड एड्रेस ही वगैरह ये सारी चीजें डेट वगैरह लिखना होता है तो यहां देखो क्या है लेटर हेड पे क्या है सारी चीजें दे, दे दी गई है कि टेलीफोन नंबर टेलीग्राम नंबर ये भी पहले ही से प्रिंटेड होता है सुपरफाइन टेक्सटाइल लिमिटेड नरिमन पॉइंट मुंबई ये क्या है ऑर्गेनाइजेशन है इसका नाम है यही है हमारी हेडिंग ठीक है और जब इसी हेडिंग को ब्रॉडवे में भी करवा सकते हो जैसे कि क्या यहां देखो टेलीफोन टेलीग्राम यहां पर क्या है यह भी लिखा गया है कि सुपर फाइन टेक्सटाइल लिमिटेड हु ओनर ओनर क्या उस का नाम है मेसर्स प्रति पतिराम पतिराम अग्रवाल एंड सन होलसेल ग्रेन मर्चेंट अब यहां पर क्या है कि सुपर फाइन टेक्सटाइल हो गया एक, एक 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 हो गया एक ये हो गया इन्होंने यहां पर क्या बता दिया यहां पर भी बता दिया कि काम क्या करते हैं यहां काम करते हैं होलसेल ग्रेन मर्चेंट सात नया बाजार दिल्ली दोनों एग्जांपल होगा किसके हेडिंग के एक में क्या है आपने लिखा है और एक में पहले ही से प्रिंटेड है क्लियर आगे बढ़ते हैं दूसरा क्या होता है डेट डेट क्या होता है भाई जनरली डेट हम लोग ऐसे लिखते हैं जब भी लेटर लिखा जाता है तो किस तारीख को लिख रहे हो ये जरूर मेंशन किया जाता है और हमेशा राइट साइड पे किया जाता है व्हेन इट कम्स टू अनसोलिसिटेड लेटर्स ठीक है ठीक है अब यहां पर हम लोग ऐसे लिखते हैं थर्टी फर्स्ट फर्स्ट ट्वेंटी ट्वेंटी टू तरीके से लेटर में नहीं लिखना है किस तरीके से लिखेंगे जनवरी 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 या फिर 31st, 2022, ये शॉर्ट फॉर्म नहीं अपनाने हैं इसी तरीके से तुम्हें लिखनी होगी डेट्स जब भी लिखनी होगी जिस भी लेटर में लिखनी होगी क्लियर अभी नोटिस करना क्या सब में इसी तरीके से लिखी गई है कि इस तरीके से लिखी गई है आगे बढ़ते हैं रेफरेंस भाई किस रेफरेंस में वो लेटर लिखा गया है किस पर्टिकुलर डिपार्टमेंट को लिखा गया है तो हम इसके लिए एक रेफरेंस नंबर जनरेट करते हैं और रेफरेंस नंबर के हिसाब से लिखते हैं अब जैसे यहां पर रेफरेंस दिया गया सेवन एम ए ट्वेंटी टू मतलब क्या है सातवा लेटर मार्केटिंग डिपार्टमेंट को लिखा गया है दो हजार बाईस का तो कह रहे इन द अबव रेफरेंस सेवन डिनोट्स द नंबर ऑफ लेटर

रेफरेंस भी पहले ही होता है ये नीचे नहीं होता है जैसे जैसे हम लोग चीजें पढ़ते रहे हैं, heading. Heading के बाद हमने पढ़ी डेट डेट आती है हमारी राइट right साइड पे डेट के बाद हमने क्या पढ़ा रेफरेंस नंबर अब इसके बाद लिखेंगे जिसको एड्रेस जिसको लेटर भेजा जा रहा है उसका नाम पता घर का एड्रेस तो नेक्स्ट टॉपिक क्या आएगा इनसाइड एड्रेस अब तुमने हेडिंग थी तुम्हारे पास भैया ऑर्गेनाइजेशन का वो जो लेटर था फिर तुमने क्या किया डेट लिखी फिर रेफरेंस नंबर लिखा अब उस जिसको एड्रेस भेज जिसको लेटर भेजा जा रहा है उसका एड्रेस कैसे है कि भाई मेसर्स पतिराम अग्रवाल एंड सन नया बाजार दिल्ली व्हेन यू विश टू टू डायरेक्ट द लेटर पर्टिकुलर ऑफिशियल एन अटेंशन टू लाइन स्पेसेस बिलो द इनसाइड एड्रेस शुड बी गिवन मतलब क्या है कि हेडिंग के बाद डेट और रेफरेंस uh, के बाद तुम्हें क्या करना है लाइन छोड़नी है कैसे द सेल्स मैनेजर मिस्टर एम एल अग्रवाल किसको भेजा जा रहा है सेल्स मैनेजर मिस्टर एम एल अग्रवाल आगे बढ़ते हैं आगे बढ़ते हैं नाउ सेल्यूटेशन अब आपने क्या किया फिर से लाइन से देखो सबसे पहले ऑर्गेनाइजेशन का नाम याद करते चलो एक लेटर लिख रहे हो सबसे पहले हेडिंग आ गई फिर डेट डेट हमेशा इधर आती है अनसोलिटेड में डेट फिर यहां पर आ गया रेफरेंस फिर एड्रेस जिसको भेज रहे हो अटेंशन के साथ एड्रेस के बाद लिख लिया अब इसके बाद यहां क्या लिखोगे डियर सर यस मैम या किसी ऑर्गेनाइजेशन को लिख रहे हो तो डियर सर और डियर डियर मेस मैडम नंबर ऑफ फॉर्म्स को लिख रहे हो तो ये क्या है हमारा सेल्यूटेशन अभी इतना ही पढ़ा है हमने लेटर में यहां तक सारी चीजें अभी बॉडी इसके नीचे क्या आता है मेन कंटेंट तो उसे हम क्या कहते हैं बॉडी देखो भाई उसके बाद क्या आएगा बॉडी ऑफ द लेटर बॉडी ऑफ द लेटर में कहता है, किस लिखा है? उसके बाद ओपनिंग पैरा आता है, कि, well. जो भी है. फिर मेन पैराग्राफ कि तुमने इस लेटर में अपने जो रीजन हैं वो स्टेट स्टेट करने होंगे और आखिरी में क्लोजिंग पैराग्राफ आता है क्लोजिंग पैराग्राफ में कहता है आई होप यू अंडरस्टैंड माई सिचुएशन एंड यू विल

क्लोजिंग की दो लाइन अब यहां पर लिखते थे योर फेथफुली थैंक यू ये सारी चीजें तो आगे क्या कॉम्प्लीमेंट्री क्लॉज कॉम्प्लीमेंट्री क्लॉज क्या होता है फेथफुली फेथफुली इसको कहते हैं या फिर योर सेंसियरली या योर या या रिस्पेक्टफली ये सारे हम कॉम्प्लीमेंट्री क्लॉज यूज करते हैं कंफ्यूज मत होना सैल्यूटेशन और कॉम्प्लीमेंट्री क्लॉज uh, में ठीक है क्लॉज uh, कह रहे कॉम्प्लीमेंट्री क्लॉज में सैल्यूटेशन होता है डियर सर मैडम सर मैडम ये सारी चीजें और कॉम्प्लीमेंट्री क्लॉज योर्स फेथफुली योर्स रिस्पेक्टफुली ये कंफ्यूजन नहीं होनी चाहिए मैं बार बार ये बारह पॉइंट रटा रहा हूं कि अगर एक बार बारह पॉइंट का मीनिंग समझ में आ गया तो कोई भी लेटर हो तुम उसको यू तोड़ दोगे कि इसमें क्या चीज है क्या चीज नहीं है कौन सी चीज किधर आ रही है और लेटर में नंबर लाने का कोई और तरीका नहीं है सिवाय इन बारह पॉइंट को पकड़ने का ठीक है कोई तुम्हें लेटर की बॉडी नहीं सिखा सकता है वो तुम्हें खुद से आनी चाहिए ठीक है लेकिन हां गलतियां कहां होती है तुम्हारे नंबर कहां कटते हैं तुम्हारे नंबर वही कटते हैं जहां तुम इस फॉर्मेट को नहीं फॉलो करते हो ठीक है आगे बढ़ते हैं फिर आता है सिग्नेचर सिग्नेचर मतलब क्या था नेम ऑफ द पर्सन नेम ऑफ द पर्सन हु टाइप्स अरे यार द नेम ऑफ द पर्सन हु सिग्नेचर ठीक है so suppose करो मैं मैंने लेटर लिखा ठीक यहाँ पर आ गया yours ट्रूली उसके बाद मेरा नाम है यार ऋषभ आर आई एस एच ए बी एच शर्मा और मेरा जो भी डेजिग्नेशन है तो यहां जो डेजिग्नेशन और नाम है उसके ऊपर मैं ऐसे से करके साइन करूंगा ठीक ये जो नाम है ये भी प्रिंटेड होगा ये होता है सिग्नेचर आगे बढ़ते हैं आगे बढ़ते हैं आइडेंटिफिकेशन मार्क देखो आइडेंटिफिकेशन मार्क होता है सपोज करो सिग्नेचर किए हैं तो एक सिग्नेचर होगा जिसके थ्रू जिसने लेटर लिखवाया है और एक सिग्नेचर जिसने लेटर लिखा है तो क्या कह रहा है इन दिस <laughs> ये, ये बस टेक्निकैलिटीज है कह रहा है इन दिस पार्ट इनिशियल्स ऑफ द पर्सन डिक्टेटिंग द लेटर एंड ऑफ द पर्सन टाइपिंग रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉर डिक्टेटिंग एंड टाइपिंग द लेटर अब जैसे यहां पर लिखा है सीबीजी ओपीए इसका मतलब क्या है सीबीजी आर द इनिशियल ऑफ द पर्सन हु डिक्टेटेड लेटर एंड ओपीए कौन है पर्सन हु टाइप द लेटर ठीक है टाइप दोनों में फर्क होता है ठीक है बॉस आपका लेटर बोलेगा आपको टाइप करना पड़ेगा तो एक जगह किसके आएंगे जिसने डिकटेट किया है लेटर उसके सिग्नेचर और जिसने टाइप किया है उसके सिग्नेचर तो इस तरीके से हम डिफाइन करते हैं आइडेंटिफिकेशन कि मार्क किसने लिखा है और किसने मतलब किसने टाइप किया है और किसने डिक्टेट किया है आगे बढ़ो इनक्लोजर वही बात मैंने क्या बताया इनक्लोजर किया कि हमने एक लेटर बढ़िया सा टाइप किया और उसके बाद हमने दो डॉक्यूमेंट भी लगाए अटैच किए जो भी अब सपोज करो हो सकती है कुछ एक्नोलॉजमेंट पेपर हो सकते हैं जिससे और आपका लेटर <coughs> मजबूत होता है तो आपने क्या किया यहां पर इस तरीके से लिखा ई एन सी एल इसका मतलब इनक्लोजर टू या टू मतलब क्या हो गया ई एन सी एल या तो ऐसे लिख लिया दो टू मतलब क्या हो गया दो डॉक्यूमेंट तुमने लगाए दो डॉक्यूमेंट लगाए तुमने इंक्लूजन मतलब टू मतलब दो डॉक्यूमेंट लगाए या फिर ऐसे भी लिख सकते हैं एनसीएलएस डॉट एक रेलवे रिसिप्ट उसका नंबर डेट दूसरा प, चेक नंबर डेट रेलवे रिसिप्ट एग्रीमेंट डेटेड ये सारी चीजें तो जितने जितने डॉक्यूमेंट्स लगाते जाओ उसके नाम लिखते जाओ 1 2 3 तो चाहो ऐसे लिखो चाहो ऐसे लिखो आपको दिखने को मिलेगा ठीक आखिरी की तरफ आ रहे हैं कॉपी डिस्ट्रीब्यूशन एनक्लोजर के बाद क्या हो रहा है कि ये लेटर तीन से चार लोगों को जाना है जिनको लिख रहा है उसके अलावा चार पांच लोगों को और जाना है तो यहां सीसी सीसी लिखने के बाद क्या होगा आखिरी में लेटर के एकदम आखिरी आखिरी में हो रहा है सब सीसी मिस्टर एक्स वाई जेड मिस्टर क्यू आर पी मिस्टर ऋषभ मिस्टर क्या बोलते फलाने मिस्टर धिमाके जितने भी लोग हैं उनको ये सीसी कर दू इसका मतलब इन सबके पास इसकी एक एक कॉपी जाएगी आखिरी आता है पोस्ट सब्सक्रिप्शन पोस्ट सब्सक्रिप्शन मैंने बता दिया था कि अगर किसी से जो लेटर लिख रहा है कोई और, कोई और, मेजर इंफॉर्मेशन बॉडी ऑफ द लेटर से छूट जाती है तो वो कहां जाती है वो सीधा सीधा पोस्ट में पोस्ट uh, स्क्रिप्ट में जाती है पोस्ट स्क्रिप्ट में जाने का मतलब यह है कि थोड़ा बहुत कमी हो गई थी जो लेटर में इंफॉर्मेशन छूट गई थी हम उसको आखिरी में कवर कर रहे हैं ये चीज नहीं होनी चाहिए दिस इज नॉट अ साइन ऑफ गुड रेटर ठीक है न अ वेन अ राइटर फॉरगेट्स टू इंक्लूड समथिंग इंपॉर्टेंट इन द बॉडी ऑफ द लेटर ही कैन एड द मैसेज इन देअर पार्ट ठीक है अब वो कुछ भी हो सकता है कि यू कैन गेट द ल्यूक्रेटिव प्राइसेस हेयर तो अब ल्यूक्रेटिव प्राइसेस मतलब या डिस्काउंटेड प्राइसेस यार अब वो आपने वहां नहीं बताया डिस्काउंटेड प्राइसेस के बारे में तो आपने लेटर के आखिरी में लिख दिया अब ये चीज प्रोफेशनलिज्म को सूट नहीं करती है प्रोफेशनल नहीं होता है तो ये गलतियां करना अगर आप लेटर में गलती करोगे बिजनेस करस्पॉन्डेंस के हिसाब से गलती करोगे तो भाई वो लेटर अच्छा नहीं होगा <coughs> चलिए आगे बढ़ते हैं अब सबसे पहले देखो ये पढ़ लिया सोलिसाइटेड लेटर अनसोलिस अब इसके बाद सबसे पहला जो आया है सोलिसाइटेड लेटर में ही एक एग्जाम्पल आपको दिया गया है कि बायोडेटा किस तरीके से लेटर के साथ अटैच किया जाता है ठीक है अब आई सपोज ये क्लियर होगा मेरे पास आपके पास भी आपकी जो बुक है उसके ही एग्जाम्पल है आप अपनी बुक से भी कॉपी कर सकते हैं आप अपनी बुक से भी देख सकते हो फॉर ए बेटर अंडरस्टैंडिंग देखो क्या दिया गया है यहां पर आपको एक लेटर प्रोवाइड किया गया है किस चीज के लिए बायोडेटा दिया गया है फॉर द पोस्ट ऑफ टीचर ठीक है तो यहां क्या कह रहा है एप्लीकेशन फॉर द जॉब ऑफ लेक्चरर इन लेक्चरर इन कॉमर्स अब सबसे पहले देखो 25 कुमार निवास गांधीनगर कानपुर टेंथ मार्च ये किसका एड्रेस है ये किसका एड्रेस है भाई जिसने लेटर लिखा उसका द प्रेसिडेंट Happy Education Society लखनऊ, ठीक? Fair salutation, dear sir. Salutation, fair. For a college to be newly established, high qualified, experienced principal is no doubt an asset. Equally important, पहले तुमने क्या किया? ये start किया body of the. ये पूरा क्या आ गया हमारा? Body of the letter. अब यहाँ पर देखो, ये main part नहीं है body of the letter. बॉडी ऑफ़ द लेटर के बाद वाला यानी डेटा, डेटा में क्या-क्या दिए किस साल पास हुए कौन सा बोर्ड कितने परसेंट डिवीजन सब्जेक्ट फिर मेरिट रिकॉर्ड हर साल तुम्हारे क्या क्या रिकॉर्ड रहा है ग्रेजुएशन में तुमने हर साल फर्स्ट सेकंड थर्ड में क्या क्या काम किया एमकॉम में तुमने क्या काम किया ठीक है तो ये तुम्हारा मेरिट रिकॉर्ड है कि जितने साल तुमने पढ़ाई करी उसमें तुम्हारे क्या क्या डिग्री आई ठीक फिर एक्स्ट्रा करिकुलर भैया स्पीकर थे प्लेयर थे ठीक है गेम खेल लेते थे डिबेटर थे ये सारी चीजें क्या है और कौन सा गेम खेलते थे ये तुम्हारी एक्स्ट्रा करिकुलर अब चाहो तो फोर और फाइव एक्सपीरियंस लिखने के बाद छोड़ सकते हो लेकिन याद रखना कि जब भी आप ये सारी चीजें लिखेंगे बायोडेटा में <laughs> चाहो तो कितना भी बढ़ा सकते हो लेकिन कुछ चीजें होती है बायोडेटा लेटर में जो आपको नहीं छोड़नी है पहला तो बहुत आसान है पहला तो बहुत आसान हो गया हमारा ठीक है अच्छा मैं एक मिनट सब रब कर रहा हूं ठीक है पहला तो बहुत आसान है डेट जरा देखो कैसे लिखेगी टेंथ मार्च ऐसे लिखी टेंथ मार्च 2021 ना की ऐसे टेन जीरो थ्री ट्वेंटी वन ऐसे नहीं लिखी गई है ये सारी छोटी छोटी चीजें हैं आप जब भी बायोडेटा की बात करोगे आप अपना पर्सनल डेटा ठीक है एकेडमिक मेरिट एक्सपीरियंस एक दो तीन चार और रेफरेंस रेफरेंस क्या होता है कि इससे पहले आप जहां काम कर रहे थे मैंने आपको बता रखा था कि हर जगह आपको रेफरेंस प्रोवाइड करना होता है रेफरेंस मतलब जो लोग आप कुछ जानते हैं आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी ले सकते हैं उनके बारे में तो कह रहा है माई बुक रेफरेंस में आपको सीधा सीधा नाम दे दिए गए क्या डॉक्टर चंद्रशेखर एच ओ डी कॉमर्स कर्नाटका यूनिवर्सिटी डॉक्टर कीर्ति कुमार ये भी मुझे जानते हैं इनका ये प्रिंसिपल है भीमनगर कॉमर्स कॉलेज के मिस्टर के डी विनोद कुमार चार्टेड अकाउंटेंट रविवार पीठ भीमनगर तो ये सब क्या है ये वो लोग रेफरेंस मतलब वो लोगों के नाम जो आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी लेते हैं तो आप चाहो तो इसको कितना बढ़ा सकते हो लेकिन क्या क्या नहीं छोड़ना है अगर बायोडेटा की बात आ जाए तो पहले तो जैसे लिखते हैं वैसे ही लिखेंगे ठीक है नेक्स्ट क्या करना है आपको पर्सनल अकेडमिक मेरिट एक्सपीरियंस और रेफरेंस दिखाना ही दिखाना है पांच लाइनें लिख लो कि हमें ये चीजें बायोडेटा में दिखनी है अब अपना बायोडेटा बनाओ ऐसे ही कि तुम्हें से ट्वेल्थ तक का अपना बनाना है और अभी तुम्हें इसी तरीके से सारी चीजें प्रोवाइड करनी है सबसे बढ़िया तरीका होता है क्या खुद के नाम की लेके प्रैक्टिस कर लो अपने आप आ जाएगा अभी एक लेटर प्रैक्टिस करोगे खत्म हो जाएगा आगे बढ़ो इंटरव्यू लेटर अब इंटरव्यू लेटर क्या होता है सपोज करो आपको एम्प्लॉयर uh, एम्प्लॉयर क्या करते हैं जिन, जिन जिनकी ऑर्गेनाइजेशन होती है वो इंटरव्यू के लिए अप्रोच करते हैं बुलाते हैं लोगों को आइए आपका इंटरव्यू हो गया इंटरव्यू से पहले कौन सा प्रोसीजर होता है सिलेक्शन टेस्ट वगैरह ये सारी चीजें हमने कवर कर ली जब हम सिलेक्शन पढ़े थे जब सिलेक्शन में टेस्ट वगैरह आप क्लियर करते हो तब तो आपको इंटरव्यू के लिए कॉल आती है या फिर लेटर आता है ठीक तो ये वही तरीका है अब कैसे क्या है देखो इंटरव्यू लेटर में <laughs> कोई भी एडवर्टीजमेंट वगैरह तो आया नहीं ये तो सीधा ऑर्गेनाइजेशन भेज रही है किसको? इंप्लॉयज को ताकि वो आके इंटरव्यू दे तो एक एक एग्जांपल ये है एक एग्जांपल ये है। पहला एग्जांपल देखो कह रहा है एबीसी टेक्सटाइल हेडिंग आ गई कनॉट प्लेस न्यू डेली और डेट हेडिंग डेट देखिए डेट बीच में आ गई किसको भेज रहा है इन साइड एड्रेस ही ये है इनसाइड एड्रेस ये है मिस नेहा ग्यारह प्रेमनगर दिल्ली फिर सेल्यूटेशन डियर मैम सेल्यूटेशन फिर थैंक यू फॉर योर एप्लीकेशन स्टार्टिंग से आपका बॉडी और देखिए जब भी इंटरव्यू लेटर की बात आएगी तो इंटरव्यू लेटर में ज्यादा इंफॉर्मेशन नहीं दी जाती फॉर्मल नहीं होता इनफॉर्मल नहीं होता है फॉर्मल होता है क्या क्या लिखा गया है कब आपने दिया था थैंक यू फॉर योर एप्लीकेशन डेटेड थर्टी जुलाई टू द पोस्ट ऑफ असिस्टेंट इन आर कंपनी फेर आई <coughs> अप्रिशिएट दूसरी चीज क्या बताई गई है यू आर रिक्वेस्टेड टू कम ओवर एट टाइम बताया गया टू थर्टी डेट बताई गई है एट अगस्त ट्वेंटी वर्ग क्या क्या लाना है जो नेसेसरी डॉक्यूमेंट ओरिजिनल टेस्टिमोनियल एंड सर्टिफिकेट बस मुद्दे की बात करी खत्म योर फेथफुल टेक्सटाइल आर एस गोयल एफ ऑफिस मैनेजर ठीक है इंटरव्यू लेटर सबसे शॉर्ट ब्रीफ में खत्म होने वाले लेटर होते हैं ठीक नेक्स्ट देखो तुम्हें क्या दिया गया है नेक्स्ट <coughs> देखो क्या दिया गया है एक तरीके से विक्ट्री ट्रांसपोर्ट अभी इन्होंने भी किसी को इंटरव्यू के लिए बुलाया विक्ट्री ट्रांसपोर्ट लिमिटेड 21 एड्रेस इनका फिर 11th अगस्त अगस्त 11 2021 अब चाहो तो इसको अगस्त 11 20, 2021 लिखो 11th अगस्त पूरा लिख के 2021 लिखो ये दोनों ही चलेंगे ठीक डेट यही लिखनी है इसी मैनर में लिखनी आप लोग जितनी कम गलतियां करोगे लेटर में उतने ज्यादा नंबर आने के चांसेस है ठीक फिर इनसाइड एड्रेस फिर डियर मिस्टर कोठारी सैल्यूटेशन सैल्यूटेशन फिर अगेन बॉडी फिर क्लोज कॉम्प्लीमेंट्री uh, क्लोजर आ रहा है यहां पे <coughs> देखिए योर क्वारी योर कॉर्डिली दैट इज कॉम्प्लीमेंट्री क्लोज योर क्राउडली योर फेथफुली योर ट्रूली ठीक फॉर विक्टी ट्रांसपोर्ट एस एस अगरवाल पर्सनल ठीक यहां पर याद रखना की जब भी इंटरव्यू लेटर की बात आ रही तो डेट ऊपर आ रही है बेच में ठीक कंप्लेन लेटर लेटर ऑफ रेजिग्नेशन रिप्लाई टू द कंप्लेन लेटर इन सब में डेट किस साइड आती है इस साइड आएगी क्या बोलते हैं राइट साइड पे ठीक है नेक्स्ट <coughs> ऑफर लेटर आप इंटरव्यू हो गया आप क्या करना है ऑफर लेटर प्रोवाइड करना है आप देखो फिर से ऑफर लेटर कैसे हो रहा है करा हिंदुस्तान कॉलेज ऑफ कॉमर्स एड्रेस फिर बीच में डेट नाउ रेफरेंस नंबर दिया गया ई एम पी एल मतलब रेफरेंस रिलेटेड टू इंप्लॉयमेंट एलसी मतलब एलसी बोला गया मतलब क्या लेक्चरर हो गया

हर लेटर में तुम देखोगे पहली लाइन में सिर्फ सब्जेक्ट होता है यहां तक पहला फुल स्टॉप लगाने तक सिर्फ यही बताया जाता है कि लेटर क्यों भेजा जा रहा था यह किस रिगार्डिंग लेटर भेजा गया सब्जेक्ट एंड रेफरेंस इधर ही आ गया हर लेटर में यही होगा और फॉलो वही बारह पॉइंट और है ठीक <coughs> फिर तुम्हारी सैलरी क्या रहेगी डीए क्या मिलेगा एचआरए क्या मिलेगा रूल्स क्या है क्या काम तुम्हें करना है क्या तुम्हें नहीं करना है सारी चीजें तुम्हारे को उस लेटर में मिल जाएंगी ठीक अपॉइंटमेंट आपका किस तारीख से होना है भी बता दिया प्लीज इन्फॉर्म योर एक्सेप्टेंस इमीडिएटली एंड रिपोर्ट द प्रिंसिपल ऑफ आर कॉलेज प्रिंसिपल आर कॉलेज श्री महेश्वरी दयाल ऑन सिक्सटीन सेप्टेंबर एट नाइन थर्टी तो ऑफर लेटर में क्या बताया गया किस रिगार्डिंग रिफरेंस एंड सब्जेक्ट सैलरी डी 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 एच आर ए सी सी ए जो भी है क्या रूल्स रेगुलेशन है थोड़ी बहुत रूल्स रेगुलेशन और उसके बाद किस दिन से ज्वाइनिंग है फिर अगेन कॉम्प्लीमेंट्री क्लोजर योर फेथफुली के, -के माथुर चेयरपर्सन सीसी टू प्रिंसिपल मैम अब सीसी यहां देखो क्या लिखा गया है ये सीसी टू प्रिंसिपल मैम मतलब क्या हो गया सीसी टू सी सी क्या होता था <laughs> अभी पढ़ा था सी सी क्या था सी <laughs> सी <सीची> क्या था <laughs> <सीची> कॉपी <क्या था? laughs> <सीची क्या था? laughs> डिस्ट्रीब्यूशन CC क्या था कॉपी डिस्ट्रीब्यूशन किसी और को भी मिलना है एक साथ तो सी सी में जाएंगी चीजें ठीक सी सी टू द प्रिंसिपल हिंदुस्तान कॉलेज न्यू दिल्ली फॉर इंफॉर्मेशन अब यहां पर देखो हिंदुस्तान कॉलेज का नाम भी है और जिसको और भी लेटर मिलना है उसका भी नाम है तो जब भी ऑफर लेटर होगा तो दो लोगों को सीसी में रख के करना है याद रखिएगा आगे बढ़ते हैं आगे बढ़ते हैं लेटर ऑफ इंक्वायरी इंक्वायरी लेटर है यहां पर तो कोई अब इंक्वायरी लेटर है मतलब क्या है कि आप सेलर जो है बायर जो है उस सेलर से इंक्वायरी कर रहा है नाउ जाहिर सी बात है कि इंक्वायरी ये ऐसे समझ लो कि एक इंपोर्टर है जिसको एक्सपोर्टर से इंक्वायरी करनी है हमें कुछ सामान बाहर से मंगाना है तो वो जो एक्सपोर्टर है उसका एडवर्टीजमेंट आया होगा ठीक है एडवर्टीजमेंट के बिहा एडवर्टीजमेंट के हिसाब से ही हम उसको लेटर लिखेंगे तो जब भी हम एडवर्टीजमेंट की बात करेंगे या की बात करें, तो उनमें डेट देखो किधर आ रही है इधर साइड आ रही है सोलिसाइटेड लेटर्स में डेट में डेट्स किधर की कि तरफ आ रही थी ऊपर टॉप की तरफ याद रहेगा याद रहेगा रहे अब अगेन हेडिंग टेलीग्राम टेलीग्राम टेलीफोन टेलीग्राम रेफरेंस नंबर एफ इलेवन ठीक है फिर किसको भेजा रहा है सुपर टेक्सटाइल लिमिटेड सेवन नरीमन पॉइंट मुंबई फाइन फैब्रिक ने किसको लेटर भेजा है इन एड्रेस ही क्या है ये क्या है इनसाइड एड्रेस हर बार यही तोड़ेंगे हम लोग सब्जेक्ट डेट इधर आ गई हमारी क्योंकि ये सॉलिसाइटेड लेटर है फिर डियर सर वी रेड विद द इंटरेस्ट योर एडवर्टीजमेंट एडवर्टीजमेंट के हिसाब से भेजा जा रहा है इन फेमिना ऑन टेंथ जुलाई ट्वेंटी ट्वेंटी वन एंड आर इंप्रेस बाय द डिस्क्रिप्शन ऑफ फर्निशिंग फैब्रिक एंड मैन्युफैक्चर्ड बाय यू अब तुम क्या करोगे जाहिर सी बात है कि एक एक्सपोर्टर है उससे मुझे इंक्वायरी करनी तो मैं उससे सीधा कहूंगा कि आप मुझे कैटलॉग दे दीजिए कैटलॉग में क्या होगा भाई गुड्स के दाम प्राइसेस टर्म्स ऑफ डिलीवरी ये सारी चीजें जो तुम्हारे दिमाग में आएगी एज एन इंपोर्टर वो तुम तो उससे पूछ लोगे कि भैया आप मुझे कैटलॉग दीजिए चीजों के दाम बताइए और टर्म्स एंड कंडीशन क्या होंगी डिलीवरी की ये सारी चीजें तो यहां पर कह रहा है वी आर लीडिंग फर्नीचर्स एंड डीलर्स इन फर्निशिंग फैब्रिक्स इन डेली द डिमांड फॉर फर्निशिंग Fabric is steadily increasing in our area, and we have a large number of inquiries and orders from for them. Kindly send us your catalog and price list for wholesale buyers. Since our since our requirement in furnishing fabrics of all kind exceeds one lakh meters, we would like to place a regular orders with you. Hence, please quote your most favorable prices and terms. प्रफरेबली विदिन वन मंथ अब देखो क्या होगा कैटलॉग मांगा प्राइसेस की बात करी और टाइम बता दे कि कब तक चाहिए योर फेथफुली अगेन कॉम्प्लीमेंट्री क्लॉज ठीक अशोक गुप्ता पार्टनर पार्टनर कहां के फाइन फैब्रिक के क्लियर 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 आगे बढ़े अब तुमने ये बोला क्या लेटर ऑफ इंक्वायरी अब क्या होगा लेटर ऑफ इंक्वायरी का क्या Reply आएगा रिप्लाई आएगा रिप्लाई कौन करेगा भाई डर <coughs> डल हो गया बहुत ज्यादा क्या लेटर ऑफ इंक्वायरी सॉरी देखिए तो ये हमने लेटर ऑफ इंक्वायरी करी उसका कोटेशन आएगा एक्सपोर्टर क्या करेगा कोटेशन भेजेगा कि आपको जो जो सामान चाहिए उसका ये ये दाम है पर पीस के हिसाब से ये है टर्म्स एंड कंडीशन क्या होने वाली ये सारी चीजें तो अगेन फाइन फैब्रिक टेलीफोन नंबर ये हमारा क्या आ गया रेफरेंस आईडी ऑर्डर नंबर ठीक है ऑर्डर नंबर आया पर रेफरेंस के साथ साथ द सेल्स मैनेजर सुपर टेक्सटाइल किस को भेजा जा गया सुपर टेक्सटाइल सेवन नरिमन पॉइंट ठीक है ये किसको भेजा गया था द सेल्स मैनेजर सुपर टेक्सटाइल लिमिटेड सेवन नरिमन पॉइंट ठीक नाउ सब्जेक्ट ऑर्डर फॉर सप्लाई ऑफ फेबर क्या क्या चाहिए देखिए थैंक यू फॉर योर कैटलॉग वी आर ग्लैड टू प्लेस फर्स्ट ऑर्डर अब ये जो कैटलॉग भेजा गया है उसका ऑर्डर है ठीक ये हो गया हमारा क्या कोटेशन लेटर कोटेशन लेटर का मतलब क्या होता है कि इंपोर्टर एक्सपोर्टर को एक तरीके से बायर सेलर को ऑर्डर प्लेस कर रहा है क्लियर क्लियर क्या क्या आइटम्स है कितने मीटर है पर प्राइस के हिसाब से इतना सामान चाहिए ठीक आगे बढ़िए आगे आगे अब इसके बाद हमारा आता है कौन सा कंप्लेंट लेटर कंप्लेंट लेटर भी कोई सॉल का पार्ट नहीं होता उसमें कोई एडवर्टीजमेंट नहीं होता है ये तो अनसोर वाली बातें हो जाती है आगे देखिए फटाफट ठीक आगे देखो देखो क्या कह रहा है कंप्लेंट लेटर में कह रहा है गुडविल ट्रेडर्स टेलीफोन नंबर, फिर वही सारी चीजें रेफरेंस नंबर जेके प्लास्टिक पुणे। सब्जेक्ट क्या है? कंप्लेंट अबाउट द डैमेज जग्स। बॉडी ऑफ द लेटर उसके बाद सैल्यूटेशन और फिर आखिरी में हमारा हाँ कॉम्प्लीमेंट्री क्लॉज uh, और आखिरी में सैल्यूटेशन ठीक अब यहां पर देखिए क्या है जब भी हम कंप्लेन लेटर्स की बात करते हैं तो आप लोगों की गलती होती है कि आप लोग कंप्लेन लेटर्स की मीनिंग समझते हो कि अरे कंप्लेन करनी तो आप अपनी सीधा सीधा कंप्लेन करोगे और अग्रेसिव लिखोगे कंप्लेन लेटर्स का जो टोन होता है वो नॉर्मल लेटर से ज्यादा सॉफ्ट होता है अब देखो कैसे कह रहा है कह रहा है इन ऑन एटीन अगस्त वी प्लेस ऑर्डर नंबर दिस विद यू फॉर टेन डजन वॉटर जग्स नंबर on that 5th september, we received a parcel through ss transport company. on opening it, we found that 10 water jugs were cracked. all the water jugs are ordered re required by our customers. the supplies remain incomplete. the supply remains incomplete. to our customers, प्लीज रिप्लेस रिक्वेस्ट मोड प्लीज रिप्लेस द डिफेक्टिव गुड्स इमीडिएटली सो दैट वे रिसीव देम नॉट लेटर देन ट्वेल्थ सेप्टेंबर योर फेथफुली दूसरा पार्टनर नाउ द इफ यू लुक एट द टोन ऑफ द कंप्लेन लेटर इट इज फॉर्मल येट रियली सॉफ्ट ठीक है तो जब भी कंप्लेन लेटर की बात आएगी आपको नॉर्मल कंप्लेन डिटेल्स ऑफ गुड्स या सर्विसेज जो भी आपको खराब मिला है वो आपको क्या बोलते हैं मेंशन करनी है रिक्वेस्ट मोड आपको ये लेटर लिखना होता है अगर आपने इसमें अग्रेसिव टोन दिखाई तो वो एक प्रोफेशनल लेटर के साइन नहीं होंगे आगे बढ़ेंगे ठीक हर बार हमें यही डेटा में हर लेटर में तुम एक चीज नोटिस करो कि सिर्फ हम एक ही काम कर रहे हैं वो क्या है फॉर्मेट को कवर करना बस बात खत्म अगर फॉर्मेट आ गया तो सब आ गया आखिरी है लेटर ऑफ रेजिग्नेशन ठीक है लेटर ऑफ रेजिग्नेशन लेटर ऑफ रेजिग्नेशन में एक फॉर्मेट देखिएगा क्या है सबसे पहले कौन लिख रहा है गौरव मल्होत्रा सेल्स मैनेजर एट एक्सवाइज वेंचर्स कब लिख रहे हैं दिसंबर। ये हमारा आ रहा है राइट साइड किसको लिख रहे हैं सीनियर को अपने कौन है सीनियर विवेक अग्निहोत्री सीनियर एग्जीक्यूटिव एच आर डिपार्टमेंट एच आर मतलब ह्यूमन रिसोर्स में आ रहे हैं एक्स वाई जेड लेटर ऑफ रेजिग्नेशन फिर डियर सर आपने अपना आप रिजाइन करना चाहते हो आपको क्या प्रॉब्लम आ रही है ये सारी चीजें ये कि माय लास्ट डे विल बी जनवरी इतना इतना आपने मेंशन कर दिया और आखिरी में क्या किया नॉर्मल कॉम्प्लीमेंट्री क्लोज तो जब भी ये सारे लेटर्स की बात आ रही है तो आपको सिर्फ इतना याद रखना है कि कौन से लेटर में में आएंगे, आएंगे। कौन से लेटर को रटा नहीं जा सकता है लाला बस और बस प्रैक्टिस की जा सकती है प्रैक्टिस कैसे की जा सकती है कि हमारा जो रेफरेंस नंबर है डेट है इंक्लोजर्स की जो टॉपिक्स हैं, ये कहीं इधर उधर ना फंसे हां आपको लेटर में पूरे नंबर मिलना बहुत मुश्किल होगा लेकिन अगर तुमने लगभग सारी चीजें सही रखी हैं अलाइंट रखी है तो ज्यादा नंबर नहीं कटेंगे कंपेरेटिवली और किसी से नंबर लाना आसान होता है ठीक है और किसी टॉपिक से नंबर लाना आसान होता है यहां खत्म होता है तुम्हारा लेटर राइटिंग कैसे प्रैक्टिस करोगे हर एक टाइप ऑफ लेटर उठाओ और एक एक दनादन जल्दी, जल्दी 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 प्रैक्टिस कर डालो और प्रैक्टिस कैसे करनी है कि तुम्हें सिर्फ और सिर्फ बॉडी बॉडी नहीं सॉरी फॉर्मेट ऑफ द लेटर हर टाइप का आना चाहिए बायोडेटा वाला प्रिपेयर कर लेना और क्या बोलते हैं बायोडेटा uh, वाला कर लेना और कंप्लेंट लेटर ये दो लेटर प्रॉपरली uh, पढ़ लेना इनसे आने के चांसेस ज्यादा है ठीक है मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में थैंक यू क्लास